से हूँ। आज मैं बनाऊंगी सांभर, ठीक है। सांभर के लिए मुझे ये सब चाहिए, देख लीजिए। बीन्स लिया, गाजर लिया, पपीता लिया, झींगा लिया और सजना लिया। दाल में धो के फिर बनाऊंगी, ठीक है। इसको कैसे कट करना है मैं देखिए। फ्रेश करी पत्ता देख लीजिए, ये भी चाहिए मुझे ना। पूरा करी पत्ता लिया मैंने इसके लिए। आप लोग भी कैसे बनाते हो प्लीज दिखाना, वीडियो कैसा लगा बोलना, ठीक है। आज इतनी सांभर और थोड़ा डोसा बनेगा, थोड़ा उत्तपम बनेगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज बनेगा। तो इसे कैसे कट करना है देखिए। हाँ देखिए, पपीता का पेड़ है, ठीक है। ये छोटा छोटा होता है ना घर में ना, तो मैं देखो इधर पपीता, और ये जो सजना है ना पीछे हमारा पेड़ है, अभी दिखा दूंगी। ये सजना भी घर का ही है, ठीक है। तो अभी मैं काट कर देती हूँ, लेकिन मैं नींबू से खा रही हूँ। फ्रेश लाइम है मेरे घर में, देखिए मैं दिखा रही हूँ। फ्रेश लाइम भी खोल के दिखा दूंगी, लाइम तो खट्टा भी होगा और ये बहुत अच्छा भी है, तो फैट झड़ जाएगा। तो मैंने काट लिया बीन्स, अभी काट लिया इसको, देखो साउथ इंडियन सारा बनेगा, नारियल का चटनी, फिर इडली डोसा सब संडे के दिन ना। तो बीन्स मैंने ऐसे काट लिया, आप लोगों को मन के हिसाब से आप लोग काटिएगा। अभी मैं काटूंगी झींगा, झींगा का भी छिलका निकालना है, थोड़ा थोड़ा आप रख भी सकते हो। अब एंजॉय कर रहे हो आप लोग, मैं दिखा रही हूँ। हाँ संडे का दिन थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, हर रोज तो हम लोग खाते ही ना दाल चावल ये खाते ही रहते ना। तो मैं काट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, काट के मैं बहुत फटाफट खाना बनाती हूँ, खाना स्वादिष्ट भी बनता है। सजना, सजना का नियम है ऐसे काट करिए फिर ऐसे निकाल दीजिए, अपने आप निकाला है। इसका भी एक आर्ट है, जिनको पता है ना उनको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है ना। और एक दिखा देती हूँ मैं, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जो छिल गया है छिलने वाला हिस्से में कट करिए, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे। और एक दिखा दूंगी मैं, जैसे देखिए इसको पहले ऐसे करिए, ठीक है। पपीता ये घर का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। छिलका निकाल देते हैं, फिर इसका जो बीज का जो हिस्सा वो कड़वा हो जाएगा बीज की वजह से, ठीक है। बिल्कुल कच्चा पपीता, आप इससे भी काट सकते हो, वो थोड़ा पतला होगा। देखिए चाकू से भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो। फिर बीज का जो हिस्सा वो निकाल दीजिएगा, जरूर अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैंने सब कुछ कटिंग करके दिखा दिया, अब कुकिंग का समय है, अब मैं कुकिंग करूंगी, ठीक है।
गुड नून दोस्तों, आप लोगों को दिखा था सब्जी काटना मेरे गार्डन में, तो ये धो लिया मैंने, स्टेन भी कर लिया। और आज मैं सांभर बनाऊंगी होल मसूर से, ठीक है। तो देखिए पानी मैंने रख दिया, तो उबलने वाला है और थोड़ा पानी देना है। पहले ये दाल दे दूंगी मैं, दाल देके और थोड़ा पानी देना है। ये सारा सब्जी डाल दूंगी, देखे नमक देके एक सीटी मारना है। तो ये नमक दे देती हूँ, ठीक है। तो अभी इसको बंद करके एक सीटी मारना है। बस ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है, एक सीटी आने तक। उसके बाद इसको छौंक लगाना है। सजना सजना नीचे नहीं मिला, हाँ बड़ा पेड़ है, ऊपर है सारा सजना, ऊपर है, छत के ऊपर है। एक दिन दिखाऊंगी चढ़ के आप लोगों को। देखिए वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया सब्जी और दाल। इसमें कढ़ाई में, दूसरे चूल्हे में मैंने कढ़ाई में तेल रखा, थोड़ा ज्यादा तेल दीजिएगा क्योंकि सब्जी भी है। और ये मेरा मसाला दान है, इसमें से लाल मिर्च और हल्दी चाहिए मुझे, और सरसों दाना चाहिए, और लाल ये जो साबुत जो होता है मिर्ची ये चाहिए, और थोड़ा सा सरसों दाना। देख रहे हो आप लोग खाना बन रहा है। दोस्तों मेरा जो चैनल है कुन सिंपल यूनिक में मैंने एक बार दिखा दिया सांभर इडली चाटनी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर दूंगी, मसाले में है जो मैंने सांभर मसाला लिया, इसमें सारा है, फिर भी मैं थोड़ी सी दे देती हूँ, अच्छा स्वाद आएगा। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, नमक थोड़ा चख के देखना। और इसका स्पेशल जो मैंने बनाया, मेरे पास ये सांभर बनाने का दाल है, ठीक है, जो उड़द दाल से बनाते हैं, ठीक है, वो है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी दे दूंगी इसमें। पानी मिला रही हूँ, हमेशा गर्म पानी दीजिएगा, ठीक है। देख लेती हूँ, ठीक है, घर का सांभर बहुत अच्छा बनता है। दुकान में जो ना ज्यादा तेज मिर्ची देते हैं, हमें पसंद नहीं है। अभी इसको उबालने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सांभर मसाला। और इसमें मैंने मसूर की दाल से बनाया, एक बार खा के देखिए। तो और इसमें थोड़ा सांभर मसाला देंगे, और हम इमली नहीं देंगे क्योंकि फ्रेश लाइन अभी तोड़ के लाई हूँ, मेरे गार्डन से आप लोगों को दिखाया था, दो बड़ा बड़ा मैं फ्रेश लाइम दे दूंगी। फ्रेश लाइम हमारा जो ये है ना, फैट है ना, फैट घटाता है और पूरा बॉडी को क्लीन करता है। रोज एक नींबू पानी के साथ या किसी भी तरह से दाल के साथ जरूर लीजिएगा। दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल दिया, हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। और थोड़ा हींग देना है, हींग देना है, गैस बंद कर दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी हींग दे दीजिए, देखे तुरंत इसमें डाल दीजिए, वो खुशबू बहुत अच्छा, बाद में दीजिएगा हींग, बहुत खुशबू, देखिए बहुत खुशबू। ये जो सांभर मसाला है ये देना है, ऐसा चाहिए। हींग ऊपर से दीजिएगा, बहुत खुशबू अच्छा आता है। बस
अब रेडी हो गया, ये मैं बंद कर देती हूँ। बंद कर देते हैं। अक्सर लोग अरहर दाल से बनाते हैं, मैं मसूर के दाल से भी बनाती हूँ, और मैं इमली से भी बनाती हूँ और नींबू से भी बनाती हूँ। ख्याल रखिएगा, दाल अच्छी तरह से उबल जाए, मतलब उसके बाद खट्टा मिलाइएगा, नहीं तो खट्टा देने के बाद और दाल नहीं पकेगा। जैसे खीर बनाने के समय हम लोग चावल जो पहले उबल लेते, उसके बाद लास्ट में हम लोग, मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ, लास्ट का बहुत था, अगर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खट्टा हो जाएगा, मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ, तो और आधा था मैं दे दूंगी। बहुत मजा आ रहा, और नहीं चाहिए, बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरा दो चैनल है यूट्यूब में, एक है राजश्री लव स्टोरी, आप लोग तो राजश्री को अच्छी तरह से जानते हो, और एक है राजश्री लव स्टोरी में ना, मेरे शादी के बाद से मेरा सारा जो है वो, मेरा जो लव का जो ये था सिलसिला था वो था, तो वो है, मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। और जो क्वीन सिंपल यूनिक है, ये राजश्री ने आप लोगों को खाना कैसे बनाते है दिखाते है खाना बनाने का, ये मेरा चैनल है। ये दो चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।